तो गाइज एलिन में जाके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके 500-700 रुपए का और नॉर्मल आप लोग एडमिशन ले लेते थे। चाहे आपको नर्चर में लेना हो, इंथ्यूज में लेना हो, लीडर में लेना हो, अचीवर में लेना हो, स्पार्क प्रो में लेना हो, स्पार्क प्लस में लेना हो, जितने भी एलिन के बैचेस होते थे, क्लास 11, 12 हो, ड्रॉपर हो, किसी में भी, चाहे IIT फील्ड हो या नीट फील्ड हो, किसी में भी आप नॉर्मली जाके 500-700 रुपए का सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते थे और एडमिशन ले लेते थे अपना फी पेमेंट करके, जो भी 1-1.5 लाख रुपए होता था। लेकिन ये सब गाइज बहुत ही पुरानी चीजें हो चुकी है। अब एलिन ने बहुत कुछ अपडेट किया है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट करके आपने अभी तक ये चीज तो सुन ही लिया होगा कि एलिन में एक नया टर्म आया है, एक नया चीज आई है जिसे नाम दिया गया है स्क्रीनिंग टेस्ट। लेकिन ये स्क्रीनिंग टेस्ट है क्या, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कि कोटा जाके एलिन में एडमिशन लेना या पूरे इंडिया में कहीं भी एलिन कैरियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना, तो वीडियो पे एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के होश उड़ने वाले हैं। जी गाइस, एलिन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि और कोचिंग इंस्टीट्यूट से बिल्कुल ही हटके कुछ ऐसा किया है जिसे सुनने के बाद आप सभी के होश उड़ने वाले हैं। तो गाइस वीडियो पे एंड तक ध्यान से बने रहिएगा, वीडियो को जरा से भी स्किप मत कीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि आप कोटा चले जाएं या कहीं भी किसी भी स्टेट में एलिन के बिल्डिंग में चले जाएं और आपका एडमिशन ना हो, उसके बाद आप वापस आके कमेंट करें कि भाई तुमने ये नहीं बताया था। तो गाइस मैं हर चीज बताऊंगा, लेकिन वीडियो को जरा से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम जानते हैं ये स्क्रीनिंग टेस्ट है क्या और एलिन ने क्या चीज अपडेट किया है। तो एलिन अभी एक चीज नया अपडेट किया है जिसे नाम दिया गया है स्क्रीनिंग टेस्ट। अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट है क्या, थोड़ा सा इस वर्ड को हम लोग क्लेरिफाई करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। तो गाइस स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसे कि पहले आप एडमिशन लेने जाते थे तो आपके पास दो ऑप्शन होता था। पहला ऑप्शन, आप एसेट का एग्जाम दे सकते थे, एलिन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम को देने के बाद आपको एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता था आपके रैंक के हिसाब से। जो भी आप एसेट का एग्जाम देते थे उसका जो भी रिजल्ट आता था, उसमें जो भी आपका रैंक होता था, उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलता था 15% से लेकर 90% तक। दूसरा स्कॉलरशिप होता था टैलेंट एक्स। टैलेंट एक्स का भी आप एग्जाम देते थे एडमिशन से पहले और उसका जो भी रिजल्ट आता था उसके हिसाब से आपको उसमें भी स्कॉलरशिप मिलता था। तो गाइस ये तो हो गई पुरानी बात, ये दोनों एंट्रेंस टेस्ट था। आप एडमिशन देने से पहले ही आप एग्जाम दे सकते हो और दोनों ऑप्शनल था। मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ना तो मुझे टैलेंट एक्स का एग्जाम देना है ना मुझे एसेट का एग्जाम देना, मेरे पास बहुत पैसे है, मैं पूरा पैसा देके डायरेक्ट एलिन में एडमिशन लूंगा, तो आप इन दोनों को अवॉइड कर सकते थे, मतलब स्किप कर सकते थे कि भाई ना मैं टैलेंट एक्स का एग्जाम दूंगा ना मैं एसेट का एग्जाम दूंगा, मैं डायरेक्ट 500 या 700 रुपए में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके और एडमिशन लूंगा, जो भी 1-1.5 लाख रुपए फी है। तो ये चीजें ऑप्शनल हुआ करती थी। बट अगर अब आप एडमिशन लेने जाते हो, ठीक है, अभी के बाद, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सैटरडे को, अगर आज के बाद आप एडमिशन लेने जाते हो, जैसे कि ये चीज तो कुछ महीने पहले से स्टार्ट हो गई थी, पहली बार स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम आया था जब स्पार्क प्रो बैच स्टार्ट हो रहा था नीट के लिए, तो उसमें ये टेस्ट लिया गया था। लेकिन अब हर बैच में ये टेस्ट होगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है और किन किन बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है। तो ये भी एक एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन आप इसको स्किप नहीं कर सकते। जिस तरीका से आप टैलेंट एक्स और एसेट इन दोनों को स्किप कर देते थे, ये कह के कि मेरे पास बहुत पैसा है मुझे ये एग्जाम नहीं देना है, आप ऐसा कुछ भी स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपलसरी है, आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना ही है। मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट आप दोगे, आसान शब्दों में अगर समझे तो एलिन में अगर आपको एडमिशन लेना है, चाहे आप क्लास 11th में एडमिशन लो, 12th में लो या कोई ड्रॉपर बैच में, अगर आपको एलिन में पढ़ाई करना है, एलिन में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने से पहले का जो प्रोसेस होता था रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद, अब मैं आपको बता देता हूँ, 500 रुपए का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो, अगर आप ऑफलाइन फिल करना चाहते हो तो 700 रुपए लगते हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज। ये बहुत पहले का चार्ज है, इसमें कोई भी अपडेट नहीं किया गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सिंपली जाते थे एडमिशन प्रोसेस के ऊपर और आप अपना फी डिपॉजिट करके एडमिशन लेते थे। बट अब बीच में एक नया चीज ऐड हो चुका है, वो है स्क्रीनिंग टेस्ट। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पहले जैसा ही है, 500 या 700 रुपए देके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान गुजरना पड़ेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, जिसका डेट आपको वहां पे सेंटर पे ही बताया जाएगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपको देना है, जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट में, दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो आप क्वालिफाई करोगे या आप क्वालिफाई नहीं करोगे। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो आप जाके नॉर्मल फी पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हो। बट अगर कोई भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उनके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फिर से दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब तक आपका ये टेस्ट नहीं क्लियर होता है तब तक आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो और इसके लिए
कोई भी एडिशनल या कोई भी एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा। मतलब कि एक बार जो 500 रुपए या 700 रुपए जो आप फी पेमेंट कर दोगे रजिस्ट्रेशन का, उसी रजिस्ट्रेशन पे आप बार बार एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आपका एक बार में एग्जाम नहीं निकलता है तो दूसरी बार आपको फिर से 500 या 700 रुपए देने होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट देने के लिए। तो ये चीज अच्छी है कि सिर्फ एक बार आपको पैसा देना है 500 या 700 रुपए, उसके बाद आप स्क्रीनिंग टेस्ट देते रहो जब तक आपका टेस्ट नहीं निकलता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस का, उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे स्कॉलरशिप का। तो गाइज अगर सिलेबस का बात करें तो देखो बिल्कुल ही सिंपल सा चीज है कि 1 ईयर प्रीवियस जो आपका सिलेबस है वो आएगा। मतलब अगर आसान शब्दों में समझे, अगर आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्लास 10th का सिलेबस पूछा जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट में। अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्लास 11th का सिलेबस पूछा जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट में। अगर आप ड्रॉपर हो तो 11th 12th दोनों नहीं पूछा जाएगा, क्लास 12th का सिर्फ सिलेबस पूछा जाएगा। ऐसा अभी तक का अपडेट है। बट अभी तक कोई भी ड्रॉपर बैच जो स्टार्टिंग से बैच होता है जैसे लीडर अचीवर, इसके लिए आज से पहले कभी भी कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बट अभी तक के अपडेट के हिसाब से अगर आप ड्रॉपर का स्क्रीनिंग टेस्ट दोगे तो उसमें सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस आएगा। बट हो सकता है आगे चल के ड्रॉपर के लिए इसमें थोड़ा सा अपडेट हो सकता है और ऐसा कर दिया जा सकता है कि 11th 12th दोनों से सिलेबस आएगा। अगर हम बात करें तो पहले स्पार्क्स प्रो में भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसमें भी सिर्फ क्लास 12th का ही सिलेबस आया था, जबकि वो एक ड्रॉपर बैच था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेबस का सिंपल सा चीज था। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप का कि इसमें कितना स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो भाई इसमें जो स्कॉलरशिप मिलने वाला आप सभी के होश उड़ा देगा। ठीक है, तो गाइस बहुत अच्छा ऑफर है, इसमें आपको 0% का स्कॉलरशिप मिलेगा। जी गाइस आपको फिलहाल मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा बट ये रियलिटी है। अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो आप एसेट या टैलेंट एक्स का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट देते हो तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, 1% भी नहीं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एसेट और टैलेंट एक्स के बारे में। ठीक है, तो गाइस देखो अगर आप एसेट का एग्जाम या टैलेंट एक्स का एग्जाम देते हो तब आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि गाइस इसमें क्या रैंक देखा जाता है कि बच्चा का रैंक क्या है। ठीक है, तो अगर आप टैलेंट एक्स या एसेट का एग्जाम देते हो तो उस एग्जाम से भी आपका रैंक टीचर्स को पता चल जाता है, जो भी एलएन के एकेडमिक्स टीम है वो वहां से आपका रैंक ले लेंगे कि बच्चे का पोजीशन क्या है। तो अगर आप टैलेंट एक्स या एसेट का एग्जाम देते हो तो आपको ये स्क्रीनिंग टेस्ट देने का जरूरत नहीं है। बट अगर आप टैलेंट एक्स और एसेट का एग्जाम नहीं देते हो तब आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो गाइस मैंने तो बता दिया जो भी अपडेट था। 2-3 वीडियो से भाई लोगों के भड़बड़ के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है उसके बारे में मुझे बताओ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और गाइस आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए कि एलएन ने जो ये अपडेट किया है आपको क्या लगता है ये क्यों किया है और ये सही है या गलत है स्टूडेंट्स के लिए, मतलब आप लोगों के लिए। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो।